नमस्कार दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आर्मी के जीके जीएस के 30 क्वेश्चनों का सलूशन। आर्मी में जीडी ट्रेडमैन और टेक्निकल के छात्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत का गोरा खासी जनजाति पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, नेपाल, मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जर्मनी से ली गई है? ऑप्शन, आपातकाल, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, प्रस्तावना, मूल अधिकार, निधि निर्देशक तत्व, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। नए राज्यों के गठन का अधिकार किसको होता है? नए राज्यों के गठन का अधिकार किसको होता है? क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री, बी, मंत्रिमंडल को, सी, राष्ट्रपति को, डी, संसद को। इसका राइट आंसर होगा डी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल में सम्मेलन में हिस्सा लिया है? निम्नलिखित में से सभी तीनों गोल में सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया है? तो ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अम्बेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने और राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कौन से आश्रम की स्थापना की? गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में किस आश्रम की स्थापना की, तो उसके बारे में बोलना है हम लोगों को। ऑप्शन ए, साबरमती। ऑप्शन बी, पीटर मारितसवर्ग। ऑप्शन सी, डरवन। ऑप्शन डी, क्लीन निकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलिनिकस। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए, केरल, बी, हरियाणा, सी, जम्मू कश्मीर, डी, गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल को दिया गया भूगोलिक नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका के घास के स्थल का क्या भूगोलिक नाम है? ऑप्शन ए, डाउन्स, बी, वेल्डर्स, सी, पंपास, डी, पियरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। भारत का सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में ना सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, उड़ीसा, बी, उत्तर प्रदेश, सी, असम, डी, झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। 11 नंबर की ओर चलते हैं। काकरा पारा परमाणु विद्युत षड्यंत्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन देखिएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण,
सरदार पटेल, राम मनोहर लोहिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल ने बारदोली आंदोलन आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसमें कि इनको सरदार की उपाधि मिली थी वहाँ के मल्हाओं के द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सोनिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बार भारोत्तोलन, बी तीरंदाजी, सी मुक्केबाजी, डी टेनिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए राज राजा, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी राजेंद्र, ऑप्शन डी विक्रम चोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजयालय। 15 नंबर की ओर चलते हैं, अजंता गुफा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। चलिए अब दूसरे भाग में चलते हैं साइंस की ओर। जीके का हमारा एक भाग खत्म हो चुका है, अब साइंस के दूसरे भाग में चलते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है? मतलब अगर बैरोमीटर का पारा जो है ना अचानक गिर जाता है तो किस बात का संकेत है? तो ऑप्शन देखिएगा, ए गर्म मौसम, बी सर्द मौसम, सी आंधी या झंझावत की संभावना, डी शुष्क मौसम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंधी तूफान आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर पैरामीटर का काटा जो है ना सुई जो अचानक अगर नीचे गिर जाए तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर, रमन प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ध्वनि, बी जनसंख्या, सी प्रकाश, डी मुद्रा प्रचलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी चैडविक, ऑप्शन डी एडरसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, आवेश का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी कूलम, डी ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? ऑप्शन ए शैवाल, बी विषाणु, सी कवक और डी प्रोटोजुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी होता है, ऑप्शन नंबर ए शैवाल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 है, कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज में काम में ली जाती है? इसका ऑप्शन देखिएगा, ए अस्थि सुपीड़ता, बी मधुमेह, सी वृक्ष संबंधी विफलता, डी कैंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कैंसर। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर में किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, राइबोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फोनटाना ने, ऑप्शन बी बेंडा ने, सी पोटर ने, डी फैलेड ने। ऑप्शन तेस राइबोसोम की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी फैलेड, फैलेड ने। आगे चलते हैं, बॉक्साइट एक्स है। क्वेश्चन नंबर 24, बॉक्साइट एक्स है, बॉक्साइट किसका एक्स है? ऑप्शन ए लोहे का, बी एल्युमिनियम का, सी तांबे का, डी सोने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक्स है, लोहे का एक्स हेमेटाइट होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी लिथियम, सी मीथेन, डी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है मेरे, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है और सबसे हल्की गैस हीलियम होती है, सबसे हल्की गैस हीलियम होती है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा नियम जड़त्व का नियम से भी, निम्न में से किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, आर्किमिडीज का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व के नियम से भी जानते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 की ओर जाने से पहले हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर जितना से इतना कर सकते हैं, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊष्मा शोषी, बी संयोजन, सी अपघटन, डी ऊष्मा क्षेपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊष्मा क्षेपी। अगर उस ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मा, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं, 28। हाँ, और प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों को करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित होता है? निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित होता है? क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑप्शन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक्स किरण। आपको तो अच्छे से पता होगा आवेश रहित जो होता है हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे तो आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, बकमिस्टर पुलेरिन एक अपरूप है फास्फोरस का, टीन का, कार्बन का, सल्फर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का। बकमिस्टर फुलेरिन एक अपरूप है किसका? कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और आगे क्वेश्चन देखिए, द्विबंधन करने वाला कार्बो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, द्विबंधन करने वाला हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए देखिएगा, एल्केन, बी एल्काइन, सी एल्कीन, डी ये सभी। तो दोस्तों इनका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्कीन। आप लोगों से विनती है कि मतलब इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे आर्मी में जो छात्र आर्मी के रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।